हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने बहुमत से जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। करण माहरा ने कहा कि वह खुद हरियाणा चुनाव प्रचार में गए थे और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन नतीजे इसके उलट आए हैं और यहाँ नतीजे काफी चौंकाने वाले भी हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस इस पर मंथन करेगी और उन कारणों को तलाशने की कोशिश भी करेगी जिन्होंने चुनाव परिणाम को अपेक्षा के अनुरूप नहीं रखा। वही बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि लोगों ने हमारी सरकार का काम देख कर वोट दिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अनएक्सपेक्टेड आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो नायब सिंह सैनी बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो बयान दिया कि हमारे पास सारे आंकड़े और सारे संसाधन हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। जिस समय कांग्रेस 70 पार चल रही थी रुझानों में, उस समय नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया था। अब समझ में आ रहा है कि वो व्यवस्थाएँ क्या थी और मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से कि कौन सी ऐसी व्यवस्था थी कि 70 और 17 का जिसमें आंकड़ा चल रहा था उस समय सैनी साहब ने बयान दिया बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कि हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास साधन हैं और हम कुछ भी हो जाए फाइनल रिजल्ट देखेगा, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। तो वो संसाधन कौन से थे, वो व्यवस्थाएँ क्या थी, इसके बारे में बताना चाहिए। पार्टी को कभी भी नहीं लगा कि हम हरियाणा लूज कर रहे हैं। आपने पूरे चुनाव प्रचार को हमारे देखिए, बड़े उत्साह के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे तमाम के भाजपा के देश से जुड़े नेता हैं सभी ने वहाँ पर कहा कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को वोट दिया है, क्योंकि वहाँ पर तीन मुद्दे बड़े प्रमुख थे। किसानों का मुद्दा था, नौजवानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था। किसानों पर अपने 24 फसलों पर MSP की बात पहले की थी तो लोगों को समझ में आई। इसी तरह से जो नौजवानों का मामला है, खासकर अग्निवीर का मामला है जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ के लोग उससे संतुष्ट हैं। और जवानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया डिफेंस के लिए, उतना काम भूतों न भविष्य थे, पहले कभी हुआ नहीं और आगे भाजपा के बाद शायद कोई कर पाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, तो उससे भी वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। जहाँ पहलवानों का जो मुद्दा था, अगर एक इंसिडेंट छोड़ दें जिसमें विवाद हुआ, उसके अलावा जिस तरह खेलों को प्रोत्साहन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया और प्रदेश सरकार ने दिया है, वो पहले कभी हुआ नहीं। तो ये भी कह सकते हैं आपको जो खिलाड़ी थे या उनके जो परिजन थे वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी कामकाज से संतुष्ट थे। तो इन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकारों का जो काम है उसको वोट पड़ा है, तो उनके कामों से लोग संतुष्ट थे, इसलिए हम वहाँ पर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष